गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट, आज साइंस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है चैप्टर का नाम? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप बहुत सारे एलिमेंट मटेरियल के बारे में जानते हैं, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। सम मटेरियल हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। कुछ मटेरियल जो है वो आपको टेबल 4.1 में दिए हैं। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल, क्या है ये अपीयरेंस और हार्डनेस आपको बतानी है। आयरन की, कोल की, सल्फर की, एल्यूमिनियम की और कॉपर की। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से मटेरियल मेटल है। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, और जो बचे हुए हैं टेबल 4.1 में ये क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल को कैसे बता सकते हैं, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी, बताइए कि लस्टर और हार्डनेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शोवल, एक्स एक्सेट्रा। आपने कभी देखा है ब्लैकस्मिथ को बीटिंग करते हैं आयरन पीस पर, तो वो बहुत सारे आर्टिकल बनाती है, जैसे कि स्पेड बनाती है, शॉवल बनाती है और एक्स बनाती है। डू यू फाइंड अ चेंज इन अ शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग, क्या आप देखेंगे कि इसका जो शेप है, अगर इन आर्टिकल को बीटिंग करेंगे, मारेंगे, तो क्या इसका जो शेप है वो चेंज होगा। वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट पीस ऑफ कोल, क्या आपको कोई ऐसा सिमिलर चेंज उसमें दिखाई देगा जब आप कोल को जो बीट करोगे। लेट्स फाइंड आउट, अब हम देखते हैं। एक्टिविटी, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, आपको क्या करना है, एक आयरन नेल मतलब कील लेना है। अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड, क्या लेना है आपको, कोल का एक पीस लेना है, एल्यूमिनियम वायर का एक पीस लेना है और पेंसिल की लीड लेना है। बीट द आयरन नेल विथ हैमर, अब वो जो आपने आयरन नेल ली है, मतलब जो आपने लोहे की खील ली है, उसको हथौड़ी से क्या करना है, ठोकना है। बट टेक केयर यू डजंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन आपको खुद का भी ध्यान रखना है कि आप इस प्रोसेस को करने पर खुद को नुकसान ना पहुँचाएँ। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू कोल पीस एंड पेंसिल लीड, आप क्या करना है, उसको हीट करोगे हैमर से, फिर यही आपको कोल पीस से भी करना है और पेंसिल लीड को भी ऐसे ही करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको आपके ऑब्जर्वेशन जो है वो इस टेबल में बतानी है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन हीटिंग, आपने देखा होगा कि आयरन नेल का शेप और एल्यूमिनियम वायर का शेप क्या हुआ, चेंज हुआ जब आपने उसको बीट किया। इफ दे वर बीटन हार्डर दिस वुड बी चेंज इन टू शीट्स, अगर उनको ज़्यादा जोर से हार्डर बीटन किया जाए तो वो शीट में चेंज हो जाएंगे। यू माइट फेमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, आपने सिल्वर की फॉइल देखी होगी जिसको हम वर्क बोलते हैं, वो स्वीट मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो फेमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड, आप इससे भी फेमिलियर होंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल को किस प्रकार खाने को हम उसको रैप कर सकते हैं, पैक करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इन टू शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जो शीट के अंदर ब्रेकन हो जाती है वो क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी कहलाती है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एज जस्ट यू नोटिस मटेरियल लाइक कोल, पेंसिल, लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, जैसे आपने देखा होगा कि पेंसिल की लीड और कोल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। As you just have noticed material like coal, pencil, lead do not show this property, can you call this metal? जैसे आपने देखा कि ये अगर ये property show नहीं करते तो आप उसको metal कह सकते हैं क्या? Can you hold a hot metallic pen which without plastic or wooden handle and not get hurt? क्या आपने metallic pen देखेंगे और wooden plastic देखेंगे, उसमें handle रहता है? Perhaps not, क्यों, वा ऐसा क्यों? Try a list of some other
एक्सपीरियंस विच है वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दी हार्ट वाइल हैंडलिंग बोथ थिंग्स। आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि घर में हमारे जो बर्तन रहते हैं उससे में लकड़ी का लगा रहता है, उसमें हैंडल लगा रहता है, वो हैंडल क्या करता है आपको उस गर्म बर्तन को पकड़ने में मदद करता है, आपको उससे कोई हर्ट नहीं होता है अगर उस बर्तन में हैंडल लगा हो तो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस पर व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, आप क्या कहेंगे कंडक्शन ऑफ हीट में वुड और प्लास्टिक का। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो रहता है वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है। वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई, उस पर किस प्रकार का हैंडल होता है और क्यों होता है। रिकॉल यू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट, आप क्या करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होती है या नहीं होती है। यू हैव परफॉर्म द एक्टिविटी वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास सिक्स, आपने ये एक्टिविटी को कौन सी क्लास में करी है, सिक्स्थ क्लास में की है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी द मटेरियल मेंशन टेबल 4.3, अब इस एक्टिविटी को आपको जो टेबल 4.3 है उसमें जो दे रखा है मटेरियल उसमें करिए। ऑब्जर्व द ग्रुप ऑफ दिस मटेरियल इनटू कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, अब इस मटेरियल को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में चेंज करके देखिए कि कौन सा कंडक्टर है इसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, अब ये मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, आप देखेंगे कि जो रॉड है आयरन की रॉड है, नेल कील है, कॉपर है, ये क्या है गुड कंडक्टर है, लेकिन सल्फर का पीस और कोल का पीस पुअर कंडक्टर है। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब मुझे ये याद आया कि हाँ ये एक्टिविटी से मुझे ये याद आया कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए। वी लर्न इन क्लास सिक्स, ये हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, अब आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ कहाँ पर देखा है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कभी कोल के वायर्स देखे हैं। डेफिनेटली नॉट, नहीं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी जो क्या करती है उसको वायर के फॉर्म में चेंज कर देती वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, क्या आपने देखा होगा कभी अगर आपके हाथ से आयरन की शीट या आयरन लोहे का कुछ नीचे गिर जाए या फिर कॉइन नीचे गिर जाए तो उसमें से फ्लोर पे से आवाज़ आती है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई नाउ, अगर आपने ऐसा नहीं सुना है तो आप अभी इसको ट्राई कर सकते हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, क्या आपको उस साउंड में कोई डिफरेंस पता चलेगा। Have you seen wooden bells in temple? आपने मंदिर की घंटियाँ देखी होगी। Can you give a reason? क्या आप reason बता सकते हैं। The thing made up of metal produce ringing sound when struck hard. जो metal की बनी हुई चीज़ें रहती है वो ringing sound produce करती है जब आप उसे क्या करें, स्ट्रक करें। सपोज यू हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीयरेंस, आपको दो बॉक्स दिए हैं जो दिखने में एक जैसे हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल, एक लकड़ी से बना है और दूसरा मेटल से बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स मेड इन मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस, क्या आप उन दोनों को स्ट्रिक करने के बाद ठोकने के बाद बता सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल का है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेट टू बी सोनोरस, ऐसे मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सोनोरस कहलाते हैं। द मटेरियल दैट मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मटेरियल क्या होता है सोनोरस नहीं होता। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी करने के बाद वी कैन से दैट सम मेटल आर हार्ड लस्टर मेलिएबल डक्टाइल सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हार्ड होती है, लस्टरस होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है और गुड कंडक्टर रहती है। द मटेरियल वी जनरली पोजेसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मटेरियल मेटल्स, ऐसा मटेरियल जो ये प्रॉपर्टी देता है वो मेटल कहलाता है। द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल आर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा, एग्जाम्पल क्या है मेटल के, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इन अ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में द मटेरियल लाइक कोल सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल अपीयरेंस, कॉन्ट्रास्ट में जो कोल और सल्फर रहता है वो सॉफ्ट और डल रहता है दिखने में।
दे ब्रेक डाउन इंटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। ये क्या करते हैं, पाउडरी मास में चेंज हो जाती है जब उस पर हम क्या डालेंगे, हैमर डालेंगे। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सोनोरस नहीं होते और हीट इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दिस मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल के, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और इसे हम नाइफ मतलब चाकू से काट सकते हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी ही कैसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दिस आर एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है, एक्सपेक्टेशंस है। 8th class स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। अगर किसी बच्चे के इसके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर छूट गए हैं तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उन 3 चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकता है।